और भाई अरेबिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सीख लोगे। आज एक कस्टमर अरेबिक बोल रहा था, मैं पूरा मतलब समझ रहे हो, मैं पूरा ऐसा ऐसा हक्का बक्का गोल हो गया, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने क्या बोल दिया कोई। तो भाई अब से बर्गर किंग में फिश भी खाने मिलेगा, आने वाला है 4 दिन भाई डबल पगार। तो वही एक लास्ट, ये साल का लास्ट ईद होगा जिस दिन डबल पगार मिलेगा, उसके बाद तो भाई अगले साल मिल। अमेरिकाना ग्रुप में आए हैं और कुछ लोग मैकडॉनल्ड्स में आने वाले हैं। भैया आपको जहाँ पे भी कहीं पे भी काम मिल रहा है ना, आ जाओ। और सही बता रहा हूँ, 120 सैलरी गुड होती है, बट अगर आपको ओवर टाइम लग जाए ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर अरे यार चाचा जी वहाँ पे है, अभी उनका क्लीनिंग हो रहा है। और कैसे हो अंकल? तो फाइनली इनका काम फिनिश हो गया, मैं कुछ उसको करने का था। एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, और अभी का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ रात के, मतलब मॉर्निंग के, क्या बोल रहा है मॉर्निंग के, सुबह के 8 बजे। सब लोग बोलते रहे कि चश्मा लगा के काला दिख रहा है कि रात दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, मॉर्निंग के 8 बजे और अपना ब्लॉग शूट हो रहा है। अभी जो भी सिनारियो, जो भी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, वो सब शेयर करूँगा। कल का दिन है ना, एक लड़की ने मूड ख़राब कर दिया था, बट उसको मैंने इग्नोर किया। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी जो भी होता है उसको आगे फोकस करते हैं। और जहाँ अपना काम, तो अभी फ़िलहाल अभी बहुत खुश हूँ। आज एक ऐसा, जब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था ना, एक बंदे का मेरे पास में वीडियो आया यार, और उसके आज गोल्डन प्ले बटन और एक सिल्वर प्ले बटन। भाई एक बंदे का सिल्वर प्ले और एक बंदे का गोल्डन प्ले बटन आया, और मैं अज्यूम कर रहा था कि मेरा कब आएगा, पता है क्या? हालांकि अभी मुश्किल है, खाली मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग आप लोग मेरी फैमिली, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, बस यार एक दिन वो भी पूरा होगा सपना। एंड हाँ, तो कितना मजा आएगा ना। चलो बेस्ट फॉर द, बोलते हैं ना कि यार उम्मीद जगा के रखो और उसके लिए हार्डवर्क करते रहो। चलो मिलते हैं, अपना काम फिनिश करता हूँ, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है अभी फिलहाल, क्योंकि पैसे यहीं से बनने वाले हैं। अभी यूट्यूब से तो कुछ बन नहीं रहे, तो जस्ट पैशन है, एक दिन सब कुछ मिलेगा, नेम पेन बनी, तब तक के लिए काम करते रहो, अपने पैशन को फॉलो करते रहो। तो मिलते हैं आपको बाद में, सी यू सून गाइस। भाई बहुत काम करना पड़ा, अब लग गई अपने भाई को भूख, तो आपका भाई खाना खा रहा है। खाने में है आज मेरा वही अंडा और चिकन टेंडर एंड दिस दाल, जो कल मैंने बनाया था रात को, वही सीन है। तो भूख लगी है भाई, चलो जल्दी से खा लेते हैं, फिर कुछ बातें जो भी करनी होगी आप लोग से करता रहूँगा। एंड एक नया प्रोडक्ट आया है भाई, फिश आया है, अवेलेबल, अलग ही मज़ा है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ 2-3 दिन अच्छी लगती है, उसके बाद में सब बकवास है। चलो अभी देखते हैं, उस चीज़ को थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, एंड आपके साथ में जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ चल देने का। तो अभी खाते हैं, पहले भूख लगी है यार। चलो भाई ब्रेक तो ख़त्म। पीली कार कितनी मस्त दिखती है ना, लाजवाब। और एक बार बताऊँ, अंदर रहो तो एकदम मेरे को ठंडी लग रही थी, अब जैसे ही बाहर आया तो थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ धूप की वजह से। सही है यार, देखो पेट्रोल जो काला वाला पहना है ना, पेट्रोल पंप का मैनेजर है, और हम तो ठहरे स्टाफ भैया, अपनी जो लाइफ है कुवैत में काट रहे हैं, और आप लोगों को अपनी ये जो लाइफ दिखा रहे हैं, ब्रेक पे जाना, ब्रेक से आना, खाना, फिर कैसे रहना, ये सब ही चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। और आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या कमेंट करूँ। अरे यार इंस्टाग्राम के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि उसको है ना व्यू करने का मौका ही नहीं मिला, बट डेफिनेटली जैसे ही मिलेगा ना मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एक धूप में खड़ी है बेचारी अकेले, अगर किसी की कार धूप में ख़राब हो गई भाई, फट जाएगी, तब तक वो रात का वेट होने का करेगा, दोपहर में कोई भी खड़ा नहीं सकता, इतनी कड़क वाली धूप है, और आई लिटरली फील दिस वन। चलो मिलते हैं बाद में, फिश वाला आ गया। चलो आपको मेनू दिखाता हूँ, मैं एक मिनट मेनू देखने के लिए आया, सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ, क्योंकि कस्टमर पूछे जा रहा है। ये देखो भाई सीन कुछ ऐसा लग रहा है, समुंदर में से निकाला। अरे बाबा सूरज मामा यार, थोड़ा रात होता तो जब मस्त दिखता था। अब ये देखो, ये है प्रॉन्स, ये है फिश फिले, मज़ा आने वाला है। पब्लिक यही पूछने वाली है, जितने भी अरेबियन लोग मतलब
वो आते हैं ना रुबियान है, रुबियान रुबियान झींगा है, प्रॉन्स है, अब मजा आने वाला है भाई। अब तो अब देखते हैं, मगर मैंने टेस्ट किया भाई, डेफिनेटली आई हाँ मजा आ गया, मगर बार बार खाएंगे ना वो टेस्ट उतना मजा नहीं आएगा। अभी के लिए तो फिलहाल फर्स्ट टाइम इतने दिन के बाद में फिश ट्राई कर रहा है, वो तो मस्त लगा। चलो तो भाई बस वाले ना आज आधे घंटे पहले छोड़ दिया, मतलब मैं यहाँ पे 9:30 बजे होता हूँ बट आज 9:05 पे ही छोड़ दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीन अभी कुछ ऐसा है कि एक तो ऊपर जाके देखते हैं सुमन ने क्या बना रखा है, कल की दाल खाने मिलेगी या आज का राइस, देखते क्या होता है। मेरे को तो दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो गाइस बस पहुंच गए हैं अपने जिम पर, फिनिश करते हैं अपना 20 मिनट वर्कआउट, गिरना ही था, ओवर एक्टिंग जरूर होती है साला, कभी अच्छे क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह, कुछ काम होता ही नहीं। ओके तो जी हाँ, मैं फटाफट से गया चेंज करके आया और सुमन बोलता है कि जब तक मैं राइस पकाता हूँ तू 20 मिनट तेरा जो करना है वो करके आ जा, मैंने बोला 20 मिनट और कल 5 बजे के बाद आऊँगा ना तब एकदम बढ़िया से मारूंगा वर्कआउट, ये सब डंबल वगैरह जो भी यूज़ करना रहेगा तो कल 5 बजे करूँगा, फिलहाल फटाक से स्टार्ट करते हैं 20 मिनट एंड इसके बाद में पूरा बेहाल होके मिलता हूँ, पसीना पूरा, कैलोरी बर्न करना है ना एंड हेल्थी भी रहना है, डिसाइड किया हूँ अपने आप से और आप लोग भी करो भाई, कुछ ना कुछ तो करो, जो करना है करो मगर करो, घर पे खाली मत बैठो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2000 years later 20 मिनट 105 कैलोरी बर्न किया, 2 किलोमीटर कुल कल वॉक किया, नॉर्मल वॉक, आई विल टेक लिटिल रेस्ट, हाउ आर यू ब्रदर, या आई एम डन टुडे, जस्ट वॉक ओनली, कार्डियो मेरा हो गया, अब वो भाई अपना करेगा। यार मैं जब मौका मिला है ये सब करने के लिए, अगर नहीं करूं तो मेरे ऊपर धिक्कार है कि यार तेरे पास में सब कुछ अपॉर्चुनिटी है किसी के पास में तो वो भी नहीं है, और नहीं करूं तो बहुत गलत बात है, इसलिए मैंने बोला भाई जाना है तो जाना है, फटाक से कपड़े निकाले, जूता पहना और सीधा आ गया, थैंक गॉड ऊपर वाले, बस शक्ति दिए रहना आगे और भी कुछ कर सकूँ लाइफ में। तो भैया अपना नहा वहा के मस्त हो गया, इसको टांग देता हूँ पहले भाई, टॉवल भी टक गई, और एक चीज बताऊ ये और ये और ये और हम भाई हम लोग रहते तो एक ही कमरे में, मगर सीन कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ में भी, आपके पास में 4 या 3 लोग रहेंगे बट कभी साथ मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाने का नसीब ही नहीं होगा। अभी देखो ये नाइट करके आएगा, ये नाइट में गया हुआ है, ये मॉर्निंग में गया था और मैं मॉर्निंग में जाके अभी आ रहा हूँ, तो सीन ऐसा ही हो जाता है भाई, 9 घंटे की ड्यूटी, कभी कभी जब 12 घंटे की हो जाती है ना अचानक से तो थोड़ा लगता है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा ही प्रेशर मिल रहा है। एंड जी हाँ, अब ओवर टाइम नहीं है तो क्या ही करे, कुछ कर तो सकते नहीं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, तो भैया अब वर्कआउट पे थोड़ा ध्यान देते, कम से कम अपनी बॉडी शॉडी बना लेते हैं और ही क्या चाहिए। फिलहाल तो आपको बोलने वाला था कि यार आना तो कोशिश करना, अरेबिक सीखने की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको, नहीं तो फिर मेरी तरह आप भले से गल्फ में कितने साल भी काम कर लो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं 3 साल ओमान में था, वहाँ पे
बेसिक सी मतलब अरेबिक बोली जाती थी, बट मैंने सीखना मतलब कि कहाँ अपने को रहना है। और मगर किस्मत का पिटारा देखो, कुवैत में आकर वापस आ गया। यहाँ से 3-4 घंटे चल के जाएंगे तो आप ओमान भी पहुँच सकते हैं, बट वो अलाउड नहीं है। जिनके पास में यहाँ का रेसिडेंस है वही लोग जा सकते हैं, नहीं तो उसके लिए अलग वीज़ा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हाँ, खाली जो मुस्लिम पीपल है, मतलब मुस्लिम बंदा है जिसको हज करना जाना है, उसको लगता है कि मैं हज करने जा सकता हूँ, तो यहाँ कंपनी उसको अलाउ करती है कि भाई पेपर ऊपर देती है तो जाओ आप 7 दिन के लिए या कुछ 11-12 दिन के लिए, आई डोंट नो, बट 7 दिन के लिए कंफर्म है। आप जाओ वहाँ पे हज वगैरह करके आओ, नमाज वमाज प्रेयर वेयर करके आओ, घूम के आओ मक्का मदीना, तो जी हाँ मौका मिल जाता है जाने के लिए। तो फिलहाल अब इस वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने देना था मैंने तो दे दिया है, मेरे पास में कुछ है नहीं। फिलहाल मैं अपनी बुक लिखूंगा, ये मेरा आई ड्रॉप है, एक बंदे ने लेके आया था, वो भी सब्सक्राइबर ने, थैंक यू सो मच भाई। कभी कभी आंखें दुखती है एडिटिंग करते समय, या फिर बार बार धूप में काम करना पड़ता है, कभी मतलब बाहर जाना पड़ता है, या फिर मेरा ज़्यादातर मोबाइल में, मेरा जो वॉशिंग टाइम है ना मेरा मोबाइल में बीत जाता है, तो इसकी वजह से मेरे आंखों को थोड़ा तकलीफ हो रही है। बट कोई नहीं, देखो भाई ये बंदा ना अभी कल ही गाँव से आया है, मतलब अपने घर से आया है, और भाई ये देखो कुछ तो लाया है, उसके अंदर हसन लिखा हुआ है, और इसके सामान सारे नीचे हैं, और उसने पहले कैलेंडर बीच में था ना, अभी ऊपर पे डाल दिया है। बट हाँ आपको बता दूँ, अभी इस बंदे से मैंने अच्छे से मिला नहीं है यार, इसके साथ में वीडियो बनानी है, क्योंकि काफ़ी लोग आसिक को जानते हैं और काफ़ी लोग मैन को जानते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है यार, दो लोग को फेमस हो रहे हैं। अब कुछ लोग सुमन को भी जानने लग जाएंगे, बिकॉज आज कुछ दिनों से सुमन मेरी वीडियो में ज़्यादा आ रहा है, हम लोग बीच पे गए थे, घूम के आए, इंजॉय करके आए। जी हाँ, यही एक मोमेंट होता है, एक मेमोरी होता है जो मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ। आज एक और बात याद आ गई भाई, आपको बता दूँ, आज मैं दोपहर को जब मैं ऑर्डर पे था, मतलब ऑर्डर ही ले रहा था, आई गॉट वन कॉल फ्रॉम सब्सक्राइबर जिसका नाम है आर्यन खान। एक्चुअली ही इज़ नाउ एक्टिव ऑन माय मेरे जो यूट्यूब की वीडियो में कमेंट है, सो इज दैट लाइक कि यार चल बंदा कोई तो अपने को देख रहा है, और वो लिटरली बता रहा हूँ 19th को यहाँ पर आने वाला है, अब से कुछ एक हफ्ते बाद में। चलो यार माशाल्लाह भाई, आओ आपसे मिलेंगे। और कुछ लोग तो अबू हलीफा में ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कुछ लोग है ना अमेरिकाना ग्रुप में आए हैं, और कुछ लोग मैकडोनल्ड्स में आने वाले। भैया आपको जहां पे भी कहीं पे भी काम मिल रहा है ना, आ जाओ, और सही बता रहा हूँ 120 सैलरी गुड होती है, बट हाँ अगर आपको ओवर टाइम लग जाए ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। फिलहाल बस यही थी जो भी बातें मेरे दिल में थी, जो भी मेरे माइंड में आ रहा था, मैं तो बोलते गया, आपसे बात करते गया, जो जो मेरे साथ में हुआ है वो भी सब शेयर भी कर दिया हूँ। और भाई अरेबिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सीख लोगे। आज एक कस्टमर अरेबिक बोल रहा था, मैं पूरा मतलब समझ रहे हो, मैं पूरा ऐसा हक्का बक्का गोल हो गया, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने क्या बोल दिया कोई। शुरू वो बेचारा चले भी गया, एंड हाँ फिर बाद में ना मैनेजर से बात हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, वो कुछ है ना मैकडोनल्ड का जो मांग रहा था, मगर मैकडोनल्ड हम बारा तो बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड का समोसा हम लोग रखते ही नहीं है, तो फिर पता नहीं क्या, तो मैक चिकन और उसके साथ में कुछ आता है, अरे समथिंग कुछ तो था जो अलग ही मेरे पल्ले तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा, उसको समझ में नहीं आया और फिर वो चला गया। फिर हमने बोले कोई बात नहीं, फिर दूसरा कस्टमर आया, धीरे धीरे मतलब आपको जानने का मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, ये आपके लिए बेस्ट और बेनिफिट होने वाला है। और क्या ही बोलूं, फिलहाल अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि पता नहीं कोई मेरी कंपनी वाला वीडियो देखेगा, भाई इसने बोला था इसको समझ में नहीं आया, इसकी वजह से कस्टमर चला गया, नहीं जी ऐसा नहीं है, कस्टमर को कुछ और ही चाहिए था, अदरवाइज मैं मैनेजर को चिपका देता, भाई देख क्या बोल रहा है देख ले, जो भी नहीं आएगा ना खुद के ऊपर कभी भी मत लेना, सीधा मैनेजर को बुलाना, भैया नहीं आ रहा है देख लो क्या करना है, तो वो लोग को थोड़ा बहुत तो आता ही है, वो लोग समझा लेते क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या है क्या नहीं है, वो सब बाकी उन लोग के ऊपर है। अभी बताओ मैं जो बात कर रहा हूँ अपने हाथों से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़े अब ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन, अभी नहीं बाद में बताऊंगा, एक और कुछ सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में चल रहा है गोप्रो के बारे में यार, सो अभी लेके मेरे को कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग मोटो ब्लॉगिंग, मैं तो जाना है और आना है, और मेरी लाइफ ऐसी ही है भाई, वो तो नसीब की कल 2 दिन छुट्टी मिल गया था, और मैडम खुद ही बोलती है यू आर अ वेरी लकी यू गेट 2 डेज ऑफ इन 1 वीक, सो ऐसा बोल रही थी, तो मेरे पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं था, मैंने बोला यस मैडम यस 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 करके वो दिन को मतलब टाल दिया, और बहुत मजा आया भाई, बहुत मतलब बहुत। अब ईद आने वाला है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ईद आने वाला है 4 दिन, भाई डबल पगार, तो वही एक लास्ट, ये साल का लास्ट ईद होगा जिस दिन डबल पगार मिलेगा, उसके बाद तो भाई अगले साल मिलेंगे हम आपको। अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल गया रहेगा। अब बात रही इंग्लिश की और अरेबिक की और किसकी, हिंदी की,
या रीजनल लैंग्वेज की क्या डिफरेंस है, क्या होने वाला है, अगर नहीं भी आता है तो क्या होगा, और आता भी है तो क्या होगा, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समअप करते हैं। आई होप तो कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया रहेगा। एंड फिलहाल बस यार अभी पट्टा रेडी है सोने के लिए, अब सोएंगे और आपसे बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा वीडियो का कोई भी पार्ट, प्लीज कमेंट में बता देना, भैया यहाँ पे हमारे को बात समझ में आई और अब से अब ऐसे ही करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।